बादल कैसे बनते हैं? बादल सफेद क्यों होती है? बादल काले क्यों होते हैं? काले बादल से ही क्यों बारिश होती है? एक बादल में कितने हद तक पानी होता है? बादल के अंदर क्या होता है? बादल क्यों फटते हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हाय दोस्तों, मैं विज्ञान रंजन और मैं श्रेया। वीडियो को लंबी ना करते हुए हम आगे जानेंगे। हमारी धरती महासागरीय ग्रह है। कहा जाए तो हमारी धरती लगभग पानी से ढकी हुई है। जहाँ देखो वहाँ पानी का मौजूदगी देखा जाएगा। हमारे समुद्र, नदियाँ, भूगर्भीय पानी, यहाँ तक कि हमारा पूरा वायुमंडल पानी से लबालब है। और यह लबालब पानी लगभग 38 मिलियन बिलियन गैलन पानी हमारे पूरे वायुमंडल में मौजूद है। यह पानी इतना अधिक है कि यह एक साथ गिर जाए तो पूरी धरती पर जल प्रलय आ जाएगी। तो ये खरबों गैलन पानी को कौन कंट्रोल करता है? जवाब है हमारे बादल। हमारे बादल ही हैं जो पूरी धरती पर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन ये बादल बनते कैसे हैं? बादल का बनना धरती के आम प्रक्रिया है। हम सबको पता है कि बादल भाप से बनते हैं। जब ये भाप आकाश की तरफ बढ़ती है तब ये भाप ऊंचाई पर पहुंचते ही ठंडी हो जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है और यह बादल का रूप ले लेती है। अक्सर बादल का निर्माण समुद्र, जंगल, तालाब, नदियाँ, यहाँ तक मनुष्य भी करते हैं। दरअसल हर चीज बादल के निर्माण में सहयोग करती है। जो भाप उत्पन्न करती है और जो हमें धुएं के रूप में दिखाई पड़ती है, और यही धुआं या भाप ऊपर जाकर भिन्न भिन्न आकार के बादल के रूप ले लेती है। बादल सफेद क्यों होती है? हमारे सूरज की रोशनी वैसे तो 7 रंगों की होती है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाती है तो यह हमें सफेद रंग की लगती है। जब सूरज की रोशनी बादलों में से गुजरती है तो उसमें से मौजूद भाप या पानी के छोटे छोटे कण सूरज की रोशनी को समान रूप से बिखेर देती है। यानी सूरज की सफेद रोशनी बादलों में से मौजूद बारीक बूंदों से होते हुए चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से बादल सफेद नजर आती है। लेकिन काले बादल सफेद बादलों से थोड़े अलग होते हैं। काले बादल भारी आकार में बेहद बड़े होते हैं। लेकिन ये बादल काले क्यों होते हैं? अक्सर बारिश वाले बादलों में बर्फ के क्रिस्टल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदे मौजूद होती है, जिनके बीच में बहुत ज्यादा गैप या दूरी होता है। जब सूरज की रोशनी उन बूंदों से गुजरती है, दो बूंदों में ज्यादा दूरी होने के कारण कम रिफ्लेक्शन हो पाता है, जिसकी वजह से पानी वाले बादल काले नजर आते हैं। काले बादलों की एक और खासियत होती है, ऐसे बादल अक्सर ऊंचाइयों में बेहद मोटे होते हैं और किसी एक समय में किसी एक बादल के अंदर करोड़ों लीटर पानी मौजूद होता है, जो लगभग हजारों हाथियों के बराबर होता है। अक्सर इन्हीं बादलों की वजह से बादल फटने की घटना होती है। लेकिन बादल के अंदर क्या होता है? सामान्य बादल भाप के सूक्ष्म या छोटे छोटे बूंदों से बने होते हैं, लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये अंदर से बेहद खतरनाक होते हैं। ऐसे बादल को क्यूबलस क्लाउड कहते हैं। अक्सर ऐसे एक अकेले बादल में ही करीब 1 अरब लीटर से ज्यादा पानी होता है। प्रचंड बिजली का प्रभाव, ओले और तूफानी हवा मौजूद होते हैं जो खतरनाक टॉर्नेडो को जन्म देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी धरती पर जीवन संचालन हमारे बादल ही करते हैं, इसीलिए बादलों को धरती की आत्मा कह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।